हम बीते कुछ महीने से हर छोटी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी या डीलरशिप से जुड़ी जानकारी और कंपनी से जुड़ी कहानी आप तक ला रहे हैं। आज भी हम आपके साथ एक ऐसी ही कंपनी की डीलरशिप के बारे में चर्चा करेंगे जिसके प्रोडक्ट्स हर दिन आपके जीवन का हिस्सा बनकर आपके जीवन में खुशियाँ ला रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बजाज ऑटो की, यानी बजाज की बाइक्स की। इस कंपनी के टू व्हीलर्स हर भारतीय ने अपने जीवन में एक ना एक बार ज़रूर चलाए होंगे। वैसे आज हम आपको बजाज की किसी बाइक पर सवारी करने या खरीदने को नहीं कहेंगे, लेकिन कारोबारी जगत में रुचि रखने वाले लोगों के लिए हम बजाज की डीलरशिप कैसे लें इसके बारे में सारी जानकारी देंगे। पर सबसे पहले थोड़ा सा ज्ञान बजाज से जुड़ा आपको देते चलते हैं। बजाज ऑटो एक भारतीय दोपहिया वाहन कंपनी है, ये आप जानते ही हैं। बजाज मोटरसाइकिल से लेकर स्कूटर और ऑटो रिक्शा तक बनाती है। बजाज ऑटो बजाज ग्रुप का एक हिस्सा है। इसकी नींव 1940 के दशक में राजस्थान में जमुना लाल बजाज ने रखी थी। बजाज ऑटो दुनिया की तीसरी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी है। बजाज ऑटो दुनिया की सबसे बड़ी थ्री व्हीलर वाहन निर्माता कंपनी भी है। ये तो बात बजाज से जुड़ी हुई, बजाज के इतिहास से जुड़ी हुई। अब आते हैं कारोबार जगत से जुड़ी खबर पर। मई 2015 को बजाज का मार्केट कैप 64,000 करोड़ का था, जो इसे बाजार मूल्य के हिसाब से भारत की 23वीं सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बनाती है। इतना ही नहीं, बजाज पहली भारतीय टू व्हीलर कंपनी है जिसने नेशनल मार्केट में 150 सीसी से और 180 सीसी तक स्पोर्टी इंजन के साथ 4-स्ट्रोक कम्यूटर मोटरसाइकिल पेश की है। बजाज कंपनी के आज के मोटरसाइकिल में डिस्कवर, प्लैटिना, पल्सर, एवेंजर और डोमिनर और सिटी 100 शामिल हैं। एंड सबसे आप सोच ही सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है और इसके साथ जुड़कर बिजनेस करना कितना फायदेमंद होगा। इसलिए आज हम आपको बजाज टू व्हीलर डीलरशिप के बारे में सारी जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं बजाज की डीलरशिप के लिए किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आपको उसके बारे में। इस कारोबार को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए आपकी अपनी ज़मीन। ज़मीन आप किराए पर भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें खर्चा ज़्यादा होगा। आपकी अपनी है तो बेहतर रहेगा, इसलिए जितनी ज़्यादा ज़मीन हो उतना अच्छा है, उतने अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे। बजाज अपनी बाइक डीलरशिप देने के लिए सभी चीज़ों के लिए अलग अलग ज़मीन की मांग करती है, क्योंकि कंपनी अपने कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी सुविधा देना चाहती है। साथ ही ज़मीन अच्छी लोकेशन पर हो तो ज़्यादा बेहतर है, तभी कंपनी बजाज टू व्हीलर डीलरशिप देती है। जहाँ तक बात कितनी जगह होनी चाहिए इसकी करें तो लॉन्च के लिए तकरीबन 500 से 1,000 स्क्वायर फीट, वर्क एरिया के लिए 1,200 से 2,500 स्क्वायर फीट, बाइक पार्किंग एरिया के लिए 1,000 से 1,500 स्क्वायर फीट, बाइक्स के परफॉर्मेंस स्पेस के लिए 2,000 से 2,400 स्क्वायर फीट, जिसका फ्रंटेज करीबन 40 फीट हो, तो कुल मिलाकर आप 5,000 से 10,000 स्क्वायर फीट की जगह आपको चाहिए होगी। इसके अलावा ज़मीन के ऊपर कोई गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ज़मीन रोड के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि गांव के अंदर कंपनी फ्रेंचाइजी डीलरशिप नहीं देती है। इसके साथ ही कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे आईडी प्रूफ के तौर पर आधार, पैन या वोटर आईडी, साथ ही एड्रेस प्रूफ में राशन कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल चल जाएगा। इसके अलावा मेल आईडी और फ़ोन नंबर जैसी ज़रूरी जानकारी भी देनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ले तो लें, पर डीलरशिप के लिए करना क्या होगा और कंपनी आपके लिए इसमें क्या करेगी? तो बता दें, यदि कोई भी व्यक्ति बजाज डीलरशिप लेता है और एजेंसी ओपन करता है तो कंपनी उसकी पूरी मदद करती है। जैसे कंपनी शोरूम को तैयार करने से जुड़ी सारी मदद करेगी, साथ ही क्रू और मेंबर्स को और टेक्निकल वर्कशॉप स्टाफ को अच्छे से ट्रेनिंग देगी। इसके अलावा सेल्स टीम को ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें उत्पाद सुविधाओं, ग्राहक हैंडलिंग और बिक्री की प्रक्रिया के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से समझाई जाएंगी। इसके अलावा बिजनेस डेवलपमेंट में भी सहायता कंपनी की ओर से प्रदान की जाती है। फ्रेंचाइजी के लिए आवश्यक यानी नेसेसरी ऑपरेशनल सपोर्ट भी दिया जाता है, साथ ही रीजनल एडवर्टाइजिंग के लिए मार्केटिंग सपोर्ट भी कंपनी ही देती है। लेकिन इन सब के अलावा सबसे ज़रूरी मुद्दा अब आता है, इन सब के लिए पैसा कितना खर्च होगा आपका? तो आपको बता दें, ज़मीन अगर आपकी अपनी है तो इसके अलावा एजेंसी बिल्डिंग कॉस्ट जो होगी उसके लिए 25 से 40 लाख रुपये लगेंगे। कंपनी सिक्योरिटी फीस के तौर पर 5 से 10 लाख रुपये लेगी। स्टॉक जो कंपनी अपना आपके शोरूम में रखेगी वो 30 से 50 लाख का होगा। स्टाफ की सैलरी जो आप पे करेंगे वो 2 से 5 लाख रुपए हर महीने की जाएगी, और अदर चार्जेस के लिए जो आपके जेब में होने चाहिए वो तकरीबन 10 लाख तक होने चाहिए। कुल मिलाकर आप 70 से 80 लाख का बजट इसके लिए लेकर चलें। अब अगर आप बजाज की बाइक डीलरशिप लेने का मन बना रहे हैं, आपने सोच लिया है कि हाँ सब सही है, हम ले सकते हैं, तो इसके लिए आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे वो मिलेगी, इस पे बताते हैं जानकारी। इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।
जिसके लिए सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है bajajauto.com पर जाना होगा। उसके बाद नीचे दिए हुए एक बिकम अ डीलर ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा। बिकम अ डीलर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहां पर आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे। उन तीनों ऑप्शनों में मोटरसाइकिल, प्रो बाइकिंग बिजनेस और थ्री व्हीलर, ये ऑप्शन आपको दिखेंगे। इन तीनों में से आपको मोटरसाइकिल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, इस फॉर्म को पूरा भरें, सबमिट कर दें और उसके बाद नंबर पर आपके एप्लीकेशन आईडी आएगी, उसको कॉपी करें और फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें। उसके बाद नीचे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक अपलोड एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरा एंटर योर एप्लीकेशन आईडी, दोनों चीज़ें यहाँ डाल दें। सबसे आखिर में सबमिट कर दें, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब सबसे ज़रूरी बात, आप सोचेंगे कि इतना सब कुछ के बाद भी कमाई कैसे होगी, ये कुछ नहीं बताया। तो बता दें, यदि कोई व्यक्ति बजाज बाइक डीलरशिप लेता है तो इसके अंदर कंपनी सभी चीज़ों के ऊपर अलग अलग कमीशन देती है, जैसे स्पेयर पार्ट सेल्स, वर्कशॉप रेवेन्यू और डायरेक्ट व्हीकल सेल। इन सभी पर कंपनी के अंदर प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग होता है। यदि बजाज बाइक एजेंसी के अंदर रिटर्न की बात करें तो इसमें हर साल 18 से 24 फीसदी का रिटर्न इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिल सकता है। बाकी जानकारी आप कंपनी से कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई हो और आपके काम आए।